हेलो, हाय, नमस्ते। आप सबको हमारे चैनल फूडी सिस्टर 3 में स्वागत करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पकोड़ा। विंटर में पालक पकोड़ा खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, तो चलिए आज हम बनाते हैं पालक पकोड़ा। ये रेसिपी देखने के साथ साथ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। पालक पकोड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे पालक के जो छोटे पत्ते हैं उसको लिया है। आप चाहो तो मीडियम साइज के पत्ते भी ले सकते हो। इसको रॉफली चप करना है ताकि पकोड़े में क्रिस्पीनेस ज़्यादा रहे। अब हम एक पतीले में लेंगे बेसन, चावल का आटा और उसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, हींग और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी अजवाइन। पकोड़े में अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसको ज़रूर डालिएगा। अब हम एक दूसरा मसाला रेडी करेंगे जिसको हम इस बेसन के साथ डालेंगे। यहाँ पे हमने लिया है सौंफ, काली मिर्च, जीरा एंड धनिया। इस सारे मसाले को हमें ड्राई रोस्ट करना है, फिर इसको हमें हरी मिर्च के साथ थोड़ी देर के लिए क्रश कर लेना है। जैसे ही ये थोड़ा सा क्रश हो जाएगा, अब हम इसमें डालेंगे तली हुई लहसुन एंड कश्मीरी लाल मिर्च। ये हमने तेल को गरम कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन और लाल मिर्च को तल लेंगे, फिर हम इसको उसी मसाले के साथ अच्छे से क्रश कर लेंगे। यह आप देख सकते हो कितना अच्छा सा मसाला एक बन गया है हमारा। अब हम इसको बेसन के साथ मिला लेंगे और उसमें पानी डाल के एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। अब हम इस बैटर में थोड़ा सा ऑयल और थोड़ी सी बेकिंग सोडा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह आप देख सकते हो हमारा कितना अच्छा सा एक बैटर रेडी हो गया है। अब हम इस बैटर में हमारे जो कटी हुई पालक है उसको डाल के उसको अच्छे से मिला देना है, ताकि पालक के सारे पत्तों में जैसे बैटर का जो कोट है वो लग जाए। यह आप देख सकते हो पालक में कितने अच्छे से बेसन का कोट लग गया है। अब हम इसको तल लेंगे। यहाँ पे हमने तेल को गरम करने के लिए बिठा दिया था। अब सारे पत्ते को इस तरह फैला के तल लेना है। यह आप देख सकते हो पकोड़ा एकदम रेडी हो गया है। इसमें कितना अच्छा कलर भी आ गया है। अब हम इसको निकाल देंगे, नहीं तो ये ज़्यादा देर तेल में रहेगा तो फिर जल जाएगा। ये हमारा पकोड़ा अब रेडी हो गया है। ये कितना क्रिस्पी भी बना है, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए आप कितने अच्छे से ये क्रिस्पी भी बना है। ये टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर थोड़ी सी चाट मसाला डाल के इसको सर्व कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनता है। इसे अपने घर में बनाइएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी पालक पकौड़ा वाली कैसी लगी। आपको हमारी ये पालक पकोड़ा वाली रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।